Broke, 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 throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah, twerking like Miley. चलिए चलते हैं गीताई मंदिर गोपुरी वर्धा। गीताई मंदिर जो है वो गीता का स्मारक है। चलिए इसके बारे में बताते हैं। पहले इसके बारे में बात कर लें कि ये है क्या। अपने कुलगुरु विनोबा जी के काम गीताई का स्मारक बनाने के लिए श्री कमल नयन बजाज ने गीताई मंदिर की अवधारणा व्यक्त की, जिसके लिए विनोबा जी ने सहमति व्यक्त की। शिलान्यास श्री खान अब्दुल गफ्फार द्वारा किया गया और निर्माण कमल नयन बजाज चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा किया गया। गीताई मंदिर का निर्माण 1980 में पूरा हो गया और विनोबा जी ने स्वयं 7 अक्टूबर 1980 को गीताई के लेखन के शुरू होने की 50वीं वर्षगांठ का उद्यापन किया। यहाँ पूरे 730 पत्थर हैं, जिसमें गीता के 18 अध्याय लिखे हुए हैं और हर अध्याय के बाद यहाँ पत्थर का कलर चेंज हो जाता है। यह संरचना गोपुरी वर्धा में जमनालाल जी समाधि की जगह 27.8 एकड़ जमीन पर फैली हुई है। गीता मंदिर एक विशिष्ट संरचना है जहां किसी को भगवान या देवी की मूर्तियां नहीं मिलेगी। ना तो ये एक अभ्यारण्य है और ना यहां कोई छत है। यहां गीताई के 18 अध्यायों को राष्ट्रीय एकता और एकीकरण को दर्शाते हुए भारत के चार कोनों से लाए गए 18 प्रकार के पत्थर यानी स्लैब पर उत्तीर्ण किया गया है। गीता मंदिर में जब हवाई दृश्य देखेंगे तो चरखा और एक गाय का विशिष्ट मिश्रित आकार प्रदर्शित करता है। चरखा और गाय शायद गांधी जी और जमनालाल जी के रचनात्मक कार्य के प्रतीक थे जो उनके दिल के करीब थे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, यहाँ पूरे 730 पत्थर हैं, जिसमें गीता के 18 अध्याय लिखे हैं और हर अध्याय में पत्थर का कलर, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक ब्लैक दिख रहा है, ब्राउन दिख रहा है, यहाँ हर अध्याय पे पत्थर का जो कलर है वो चेंज हो जाते हैं। और इतनी बड़ी जगह में ये फैला हुआ है तो यहाँ काफ़ी ग्रीनरी है और काफ़ी मेंटेन रहता है। ये देखिए, हम आपको पूरा दिखा देते हैं यहाँ से ले जाते हुए। ये पूरा एक के बाद एक संरचना है और हर अध्याय के बाद आप फिर से देखेंगे कि पत्थर का कलर चेंज हो गया है। बहुत ही सुंदर लगता है ये, दूर से देखेंगे तो बहुत ही। ये देखिए फिर से पत्थर का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसको देखते हैं कि ये संरचना कहाँ तक जा रही है। तो ये देखिए कहाँ तक जा रही है ये संरचना, और बीच में बहुत सुंदर गार्डन है और बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ एकदम शांति महसूस होती है क्योंकि ये उनका विनोबा जी का आश्रम भी रह चुका है। ये दूर दूर तक आप जो देख रहे हैं ये पूरी गीताई मंदिर यानी यहाँ गीता लिखी हुई है। इसको गीताई क्यों बोलते हैं? गीता का मतलब है, गीताई मतलब गीता प्लस आई यानी गीता माँ, इसीलिए इसको गीता ही बोलते हैं। इसका मतलब है माता गीता। अपनी माँ की इच्छा को सम्मान देने के लिए आचार्य विनोबा भावे ने मराठी में भगवद गीता की सभी 700 छंदों का अनुवाद किया। इसे पहली बार 1932 में एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया और उन्होंने इस पुस्तक को शीर्षक दिया जिसका मतलब था गीताई, जिसका अर्थ था माता गीता। तो ये पूरी गीताई जो है, ये जो पत्थर के स्लैब्स हैं इसमें 730 पत्थर हैं जिसमें पूरे गीता के 18 अध्याय दर्शाए गए हैं। गीताई मंदिर परिसर में विनोबा जी के जीवन और विचारधाराओं को दर्शाते हुए एक फोटोग्राफ प्रदर्शनी भी है और परिसर में शांति कुटीर तस्वीरें और उनके यादगार के माध्यम से जमनालाल जी के जीवन और समय को प्रस्तुत करते हैं। ये जो फोटो आप देख रहे हैं इसके ऊपर लिखा हुआ है ऑक्सफोर्ड, यानी जो इनके पीछे की जो गाड़ी है वो फोर्ड कंपनी की है और आगे लगाया जाता था ऑक्स, तो मजाक में इसको नाम दिया गया था ऑक्सफोर्ड। इसकी भी प्रदर्शनी लगाई हुई है, इसमें जमनालाल जी बजाज सवारी किया करते थे और इसको मजाक में ऑक्सफोर्ड बोला जाता था। चलिए हम प्रदर्शनी की तरफ चलते हैं जहां पर विनोबा जी के जीवन की और काफ़ी उनकी जो झलकियां हैं उनकी प्रदर्शनी लगी हुई है।
विनोबा भावे जी का मूल नाम था विनायक नरहरी भावे। वो महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र के गांव गागोदा के निवासी थे। 11 सितंबर 1895 उनका जन्म हुआ और उनके बचपन का नाम था विनायक। विनोबा नाम गांधी जी ने उनको दिया। आगे चलकर विनोबा जी को गांधी जी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी माना गया। विनोबा जी से पहली मुलाकात में प्रभावित होने पर गांधी जी ने सहज मन से कहा था, बाकी लोग तो इस आश्रम से कुछ लेने के लिए आते हैं, एक यही है जो हमें कुछ देने के लिए आया है। ये देखिए उनके जीवन की कुछ झलकियां यहाँ पर हैं। ये उनका चरखा, ये अंदर रखा हुआ उनका काफी कुछ सामान, ये भी चरखा है। उनका जीवन बहुत ही सरल और साधारण था। वो आध्यात्मिक में उनकी काफ़ी रुचि थी और एक बार उनकी गांधी जी से मुलाकात हुई तो वो गांधी जी के ही विचारों से इतना प्रभावित हुए कि वो गांधी जी के ही होकर रह गए। उन्होंने अपना सब चीज़ छोड़ दिया और वो गांधी जी के ही होकर रह गए। एक बार खुदाई में उनको एक मूर्ति मिली जो कि ऐसा लगता था कि भरत राम मिलाप की मूर्ति है। उनको उन्होंने बाकायदा वैदिक रीति से स्थापित कराया और उसको देख के वो भाव विभोर हो गए। उनको ऐसा लगा कि मेरी गीता में जैसे बताया गया है वैसी वो मूर्ति है। इसके बारे में भी बता रखा है। ये विनोबा जी के भूदान आंदोलन के बारे में पूरा मैप बता रखा है, इंडिया का मैप बना हुआ है। और उन्होंने जहाँ से भूदान आंदोलन शुरू किया वहाँ से लेके वो जहाँ जहाँ गए इनमें उनका पाथ पूरा बताया गया है। भूदान आंदोलन सन विनोबा भावे द्वारा सन 1951 में आरंभ किया गया। 18 अप्रैल 1951 की तारीख को जमीन का पहला दान मिला। उन्हें ये जमीन तेलंगाना क्षेत्र में स्थित पोंचमपल्ली गांव में दान में मिली। यहाँ पर ये इंडिकेट किया गया है कि पहला दान कहाँ मिला और उसके बाद वो कहाँ गए। तब विनोबा जी पदयात्राएं करते और गांव-गांव जाके बड़े बड़े भूस्वामी से अपनी जमीन का कम से कम छठा हिस्सा भूदान के रूप में भूमिहीन किसानों के बीच बांटने के लिए अनुरोध करते थे। तब 5 करोड़ एकड़ जमीन दान में हासिल करने का लक्ष्य रखा गया, जो भारत में 30 करोड़ एकड़ जोतने लायक जमीन का छठा हिस्सा था। 1956 तक दान के रूप में 40 लाख एकड़ से भी अधिक जमीन उनको दान में मिल चुकी थी। पंत प्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलने वो दिल्ली भी चल के गए। उसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र के ऐसे अनेक राज्यों से 1951 से 1964 तक 14 साल विनोबा जी ग्राम दान के आंदोलन के लिए देश भर में पैदल घूमे। 55 से 68 ईयर्स के होते हुए भी 40,000 मील चलकर उन्होंने देश का बड़ा सवाल जनता के पास जाकर सुलझाने का प्रयास किया। ग्राम दान, संपत्ति दान, ये आंदोलन चलाए और दूसरी तरफ कंचन मुक्ति, ऋषि शेती जैसे खेत के विषय में उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किए। विनोबा जी का सब भूमि गोपाल का नारा उस समय भारत में बहुत गूंजा। विनोबा जी खुद को विश्व नागरिक समझते थे, इसी वजह से अपने किसी भी लेख या संदेश के आखिर में वो जय जगत ऐसा याद से ही लिखते थे। हिंदू, मुस्लिम, खीचरन, वैसी, बौद्ध, ये सभी धर्म को लोगों में संघर्ष के अलावा प्रेम, बंधुभाव और शांति की शिक्षा उन्होंने दी। इसी दृष्टिकोण की वजह से उन्होंने हिंदू के धर्म ग्रंथों के जैसे ही मुस्लिम और ख्रिस्ती, इन धर्म ग्रंथों का भी उन्होंने अभ्यास किया। लोगों में फर्क भूलकर शांति और प्रेम का मार्ग दिखाने वाली विश्व धर्म की स्थापना होनी चाहिए, इसीलिए विनोबा भावे जी ने सर्वोदय की योजना बनाई। एक बार की घटना वर्णित है कि जब गांधी जी के आश्रम में प्रार्थना सभा हो रही थी तो गिनती में जब आदमी पूरे गिनती हुए तो कार्यकर्ता ने बताया कि जितने भी आदमी गिनती है उसने गिनती बताई। विनोबा जी ने कहा नहीं, एक आदमी कम था। उसने 2-3 बार फिर गिनती की, वो अड़े रहे, उस कार्यकर्ता अड़े रहे कि नहीं, मैंने जो गिनती की है वो सही है। बात गांधी जी तक पहुंची। जब गांधी जी ने बोला नहीं, विनोबा जी की भी गिनती सही है, वो गलत नहीं हो सकते, तो उन्होंने उन्हीं से पूछा कि आपकी गिनती में फ़र्क कैसे लगा।
तो उन्होंने बताया कि ये जो कार्यकर्ता गिनती गिन रहा था, इसका ध्यान प्रार्थना सभा में नहीं था, अतः यह शारीरिक रूप से तो यहाँ मौजूद था लेकिन मानसिक रूप से नहीं था। यहाँ देखिए, ये सब है ना विनोबा जी के डेली यूज़ का, जो उनके दैनिक उपयोगिता का सामान है, ये पूरा उनका कंबल, उनके बर्तन, उनकी खड़ाऊ और उनकी सब चीज़ें रखी हुई है, ये उनके बर्तन। तो हम बात अपनी कंप्लीट करते हैं। तो गांधी जी को फिर हंसी आ गई और उन्होंने जो काउंटिंग वाला सिस्टम था, यानी प्रार्थना सभा में कितने लोग इकट्ठे होंगे कितने नहीं होंगे, ये उन्होंने सिस्टम ख़त्म करवा दिया। ये देखिए उनकी लिखी हुई, विनोबा जी की लिखी हुई ये सारी बुक्स हैं। पहले असली में गीता जो थी वो संस्कृत में अवेलेबल थी, तो उनकी माँ को बहुत परेशानी होती थी, मराठी में चाहती थी वो पढ़ना, तो उन्होंने इनसे आग्रह किया, तो विनोबा जी ने उसको पूरा मराठी ट्रांसलेट किया और उसका नाम दिया गीताई, जिसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ये इसका पूरा मैप है और आप जरूर से गीताई आश्रम के दर्शन करने जाइए, आपको देख के अच्छा लगेगा कि विनोबा जी के जीवन के बारे में और उन्होंने जितनी सादगी से जीवन जिया और देश के लिए जीवन जिया उसके बारे में जान के आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, इसको सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। हाँ, घंटी जरूर बजा दीजिएगा। थैंक यू। Throw, 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 throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley.